आप जानते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है और इसमें एक नया किरदार सामने आया है। इसका नाम सैयद तस्नीम हैदर है और सैयद तस्नीम हैदर जो हैं ये लंदन में रहते हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पे कातराना हमले की साजिश जो है ये लंदन में तैयार हुई है और इन्होंने दावा किया है कि इसमें नवाज शरीफ साहब और उनके एक दोस्त नासिर भट साहब मुलव्वस हैं। तो इनके हवाले से बहुत सी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज जियो न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी मुर्ज़ा अली शाह साहब ने इनसे गुफ्तगू की है। तो जो गुफ्तगू हुई है उसकी तफसीलात तो हम मुर्ज़ा शाह साहब से पूछेंगे, लेकिन जो उन्होंने इनका कैमरे पर इंटरव्यू किया है उसका एक क्लिप पहले आप सुने और फिर हम मुर्ज़ा शाह साहब से बात करेंगे। भट्ट साहब कहते हैं जो मर्डर है वो हमारे पास किनिया में छुपा है। अच्छा जी, ये वकार और खुर्रम का आपको पता है ये कौन लोग? भट्ट साहब कहते हैं हमारे आदमी हैं। उन्होंने कुछ बताया कि किसके जरिए? ये नहीं बताया जी, कहते हैं ना हम कर लेंगे, तो जो हमने कर लिया है तो वो हमने चीजें जो चाहिए थी हमने ले ली। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर है ही बहुत बड़ी बात। आप माशाल्लाह सहाफी हैं, इस पर एक्शन लें। आप केनियन पुलिस को भी ये रिपोर्ट करेंगे? केनियन तो इतनी करप्ट पुलिस है उधर, तो आपको भी जाके को मार दे तो आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आप एविडेंस पुलिस को कब तक दे देंगे? मैं एविडेंस हूँ आपने कहा आपके पास एविडेंस है जो आप देंगे वो मांगेंगे तो दे देंगे। नहीं, आप उन्हें बताएं कि ये एविडेंस है मर्डर कॉन्स्पिरेसी का। वो कहते हैं कि आप एविडेंस है, जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी इस पूरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे? बड़ा सीरियसली है। तो आपने एविडेंस क्यों नहीं दिया फिर? वो एविडेंस नहीं, वो कहते हैं आप एविडेंस है, सब कुछ सीरियस हो गया। वहाँ पे जिन लैपटॉप्स केनिया में जिन लैपटॉप्स आईपैड्स की आप बात कर रहे हैं तो वो वहाँ से मतलब आप समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि इनके पास आ गए, लंदन आ गए। और जो शूटर है इमरान खान का वो किनिया पहुंच गया, ये भी भट्ट साहब ने मुझे बताया। अच्छा, वो पकड़ा गया? तो दो थे जी, वो एक एलीट वाला था, किनिया चला गया। एक कहते हैं किनिया चला गया, ये नासिर भट्ट कह रहे हैं? नासिर भट्ट कह रहे हैं। आपके ख्याल में खुर्रम और वकार को नासिर भट्ट मैनेज कर रहे थे? मैंने उनको पूछा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि मैं तो ना किनिया किसी को जानता, तो भट्ट साहब कहते हैं शाह साहब मेरे जानने वाले आपको। अच्छा, अरशद शरीफ का काम मैं कर लूंगा, नासिर भट्ट ने कहा और उन्होंने किया खुर्रम और वकार के जरिए? ये नहीं पता किसके जरिए, उन्होंने बोला जी देखें काम हो गया, इसी तरह आपने इमरान खान का काम करना है जैसे हमने अरशद शरीफ का किया। आप माशाल्लाह साफी हैं, इसको कभी नासिर भट्ट ने खुर्रम जिन्हें खुर्रम जो गाड़ी चला रहा था अरशद शरीफ का, उसका नासिर भट्ट ने कहा कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, वो उन्होंने कहते हैं कि हम जानते हैं हमारे जानने वाले जानने वाले की तभी होंगे कि अगर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से नहीं बताया कि ये कत्ल करेंगे। मैंने कहा जी ये जो दो थे ये कहते हैं हमारे जानने वाले, आपस खामोश हो। अच्छा, ये आपने एक क्लिप सुना है सैयद तस्नीम हैदर का और इन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। मैं दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने इमरान खान पर हमला किया, जो शूटर है, वो कीनिया पहुँच गया है और जो अरशद शरीफ शहीद के जो लैपटॉप और फ़ोन हैं वो लंदन पहुंच गए हैं नासिर भट्ट साहब के पास, और जो अरशद शरीफ जिन दो अशखास के पास ठहरे हुए थे कीनिया में, वकार और खुर्रम, उनका भी नासिर भट्ट साहब के साथ ताल्लुक़ है। तो मुर्ज़ा अली शाह साहब, आपने ये सैयद तस्नीम हैदर साहब का इंटरव्यू किया है तो इन्होंने जो दावे किए हैं, तो आपको क्या लगा कि इनके दावों में आपको कितनी सच्चाई लगी है? मेर साहब, इन्होंने वादा किया है कि अगले यानी कल रात इन्होंने ये दावा किया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर नवाज शरीफ, मरियम और नासिर भट्ट को स्कॉटलैंड यार्ड गिरफ्तार कर देगी। रात को इनका इंटरव्यू करने के बाद और मैं जो पुलिस से मेरी बात हुई है उसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। और उसकी वजुहत आप सुन लें, जो सोलिसिटर इनके जो वकील इनके साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ उसके अगले दिन उन्होंने जाकर पुलिस को यही कंप्लेंट कराई और उन्होंने कहा कि लंदन में ये कॉन्स्पिरेसी इमरान खान के खिलाफ बनी है, इनको नवाज शरीफ और मरियम ने बनाई और उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक पिटीशन पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मीडिया को दिखाई थी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन सोलिसिटर की ये हिस्ट्री है कि वो इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की, इस तरह की अमूमन वो इस तरह की एप्लीकेशन देते हैं, वीडियो पुलिस स्टेशन के बाहर बनाते हैं और उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। ये वही सोलिसिटर है जो उनके साथ बैठकर यहाँ वही दावा कर रहे हैं और इसको मीडिया में प्रोजेक्शन मिली। पुलिस इस कंप्लेंट को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेगी। उनसे हमने पूछा कि एविडेंस क्या, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास एविडेंस है जो पुलिस को दे दिया है। जब हमने पूछा कि आपके पास वो क्या एविडेंस है, वो कहते हैं मैं एविडेंस हूं और मेरे पास ऑडियो भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, चैट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस बात के ऊपर
अगर तो पुलिस, और ये कहते हैं कि पुलिस से उनकी दो मुलाकातें हो चुकी हैं, अगर पुलिस मर्डर कॉन्स्पिरेसी को बर्तानिया की सरजमीन पे अगर सीरियसली लेती तो पुलिस इस वक्त तक गिरफ्तारियां कर चुकी होती। इन्होंने जो ये दावा किया है कि पुलिस कुछ देर के कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तारी कर देगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। पुलिस से जब ये पूछा, उन्होंने कहा कि जो पहली कंप्लेंट लगाई गई थी उसमें कुछ भी नहीं था, और कहते हैं कि इस तरह की मतलब यहाँ अच्छा ये बताएं शाह साहब कि ये जो सैयद तस्नीम हैदर है, इनकी तस्वीरें पीटीआई के लीडरों के साथ भी हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ, इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ है? देखिए ये यहाँ पर जो पिछले अरसे में बाद मुजाहिरों में हमने देखे, ये वहां पर आए, इन्होंने जमायमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर भी मुजाहरे में थे, ये वहां पर भी उन्होंने शिरकत की, और मुजाहरों में आए, बल्कि पिछले दिनों एवनफील्ड के बाहर एक मुजाहरा हुआ था, आज से शायद दो वीक्स पहले, उसमें भी ये आए हुए थे। और वहां आकर बाद पीटीआई के लीडरों को ये एक ऐसे लीडर की तस्वीर को जूते मार रहे थे कि जिसके साथ वो कुछ अरसा पहले फोटो बनवा रहे थे। और फिर जो मुस्लिम लीग के साथ, जो नासर भट के साथ, हमने इनको जरूर देखा है, ये हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, मेरे साथ इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, और यही बात तो हम हैरान हो गए। और फिर तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये गुजरात के किसी कत्ल केस में भी वांटेड है? जी, जब ये इंटरव्यू में रात को जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने माना कि उनके ऊपर इस तरह का वहां पर केस है। वो कहते हैं कि ये चौधरी ब्रदर्स ने मेरे ऊपर ये केस बनाया था, लेकिन एक वीडियो इनकी आई है जिसमें वो परवेज इलाही को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उनके कजन को उन्होंने, वो वीडियो तो उनकी बहुत सी आई है, किसी वीडियो में वो गाना गा रहे हैं, किसी में वो किसी खातून से बात कर रहे हैं, किसी वीडियो में वो परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं, तो वीडियोस तो उनकी बहुत सी आई हैं। और ये भी, और मेरे साहब उनका ये दावा गलत है कि वो मुस्लिम लीग के तर्जमान नहीं है। रात हमने उनसे पूछा कि आपको तो हमने कभी तर्जमानी करते हुए देखा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक पे, आप मेरी वीडियोज नहीं देखते, मैं टिकटॉक पे तो मुस्लिम लीग का मौका बयान करता हूँ, मैं वहां पर तर्जमानी करता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा अली शाह साहब हमारे से बात कर रहे थे।